तो हेलो भाइयों, कैसे हो सारे। मेरा नाम है मोटो खबरी और आज भी मेरे पास काफी सारा इंटरेस्टिंग अपडेट्स है हमारे इंडियन मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी से रिलेटेड। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको पूरी इंडियन मोटो ब्लॉगिंग कम्युनिटी से अपडेटेड रखूंगा। एनीवेज, बढ़ते हैं हमारी फर्स्ट अपडेट की तरफ जो कि आ रही है राजा डीसी की साइड से। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आमिर माजिद और राजा डीसी की बाइक मॉडिफिकेशन का कलर एकदम सेम है, तो इस पे रिएक्ट करते हुए राजा डीसी अपनी इंस्टा स्टोरी में बोलते हैं कर लो कॉपी, कोई चक्कर नहीं। तो जैसे कि आपको बताया संडे है और आज आमिर माजिद का मीटअप भी था, तो वहां से भी थोड़ी क्लिप्स आई है मेरे पास आविद मलिक की साइड से, तो मैं आपको बता देता हूँ। तुम क्या कर रहे हो भाई, क्या ही लग रहा है भाई, बैटमैन को पूरा भाई एक डेंजर लुक मिल गया अभी भाई, तुम देख रहे हो, खतरनाक खतरनाक भाई, साउंड चेक कर रहे हो भाई, बैटमैन क्या ही लग रहा है इस टाइम, देख रहे हो तुम। तो भाई आपको देख के पता ही लग गया होगा कि ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही कलर है, तो इस पे क्या रिएक्शन आता है राजा डीसी का, जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बस आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। खैर, बढ़ते हैं हमारी अगली अपडेट की तरफ जो कि आ रही है यूके 07 राइडर की साइड से। तो जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो BMW की बाइक लेने वाले हैं, तो अपने न्यू ब्लॉग में उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है, मैं थोड़ी क्लिप दिखा देता हूं। मैंने आपको कहा था कि हम लोग मस्टैंग जीटी का एक बहुत बड़ा सरप्राइज रख रहे हैं एंड BMW 1250 आज मैंने फाइनली ऑर्डर कर दिया है, तो 1 तारीख को हम लोग उसके लेंगे, हम लोग इंडिया के नंबर 1 मोटो व्लॉगर बन जाएंगे। तो बात करते हैं मानिक अत्री के बारे में। तो जैसे कि आपको पता ही है उन्होंने Z900 परचेज कर ली है, तो कल उनकी साइड से एक वीडियो उठ हुआ है जहाँ पे उनकी गर्लफ्रेंड ने उनकी परचेजल पे रिएक्शन दिया है, तो मैं आपको क्लिप दिखा देता हूँ। फुल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलेगी छोड़ो, ये क्या कह सकते हैं, जो गया वो गया। तुझे लगता है मैं जानू से बाइक मांगता तेरे को लाने के लिए, जब तक अगर मेरी अपनी बाइक होती तो ही आता ना। क्या क्या बोलू, अब यहाँ पे आएगा मानिक अत्री ब्लॉग्स, क्यों आएगा? देख रहे हो गाइस, कितनी नल्ली है, इसका समझ ही नहीं आ रही है, हमारी अब ये ले लिए तेरी कसम, ड्यूक भी नहीं बेची है, ड्यूक भी कैसे दे ताली दे ताली। और मानिक अत्री के इसी ब्लॉग में उन्होंने कंफर्म किया कि जानू स्टंट से एक न्यू बाइक लेने वाले हैं, सेकंड हैंड। और दिल्ली जाने से अच्छा था भाई, जानो ने अचानक मेरे को बोल दिया था कि मैं सुपर बाइक नहीं बेचने वाला हूँ, क्योंकि जानो ने कोई और सुपर बाइक लेनी है, तो इस वजह से मैंने बोला यार चल ठीक है, अगर तू बेच ही रहा है तो मेरे को दे दे, तो इसलिए गाइस मैंने सोचा ठीक है यार अपने भाई की बाइक ले रहा हूँ, तो वो भी चला लिया करेगा बीच में, तो जब वो सुपर बाइक ले लेगा मैं भी उसकी चला लिया करूंगा, तो ये चीज थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई ठीक है यार जब अपनी सिटी में अपने दोस्त की बाइक मिल रही है सुपर बाइक लेने के लिए, तो मैं क्यों नहीं लूं, इसलिए। तो भाई वीडियो एंड करने से पहले आपसे एक बात करनी थी कि आपके भाई का कंटेंट चोरी बहुत हो रहा है और जिसके रिलेटेड मैंने इंस्टाग्राम पे अपडेट भी दिया था, तो उस भाई से मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि दूसरी के मेहनत का खाने से कोई फायदा नहीं, जब तक अपना हार्डवर्क नहीं डालोगे काम में तो तब तक मजा नहीं आएगा। और भाइयों आपके पास अगर कोई न्यूज वगैरह है या कोई अपडेट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आप वीडियो देखते थे यहाँ तक आ गए हो तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, मिलते हैं कोई नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।